मूवी की शुरुआत में हमें एक कपिल जेम्स और एम दिखाए जाते हैं जो वैकेशन मनाने एक अनजान देश में आए हुए हैं। जेम्स एक बुक राइटर होता है लेकिन उसकी बुक अच्छी नहीं चली। जेम्स अपने गर्लफ्रेंड एम के पैसे से अपना गुजारा करता है क्योंकि एम बहुत ही अमीर है। इसके बाद दोनों ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं। वहाँ होटल में उनके होटल का एक फेस्टिवल चल रहा था जहाँ लोग अतरंगी मास्क पहन के घूम रहे थे और इस फेस्टिवल में ज्वाइन होके एंजॉय करने बोल रहे थे। जेम्स और एम खाते हुए बात कर रहे थे जहाँ हमें पता चलता है ये लोग 3 दिनों के लिए यहाँ वेकेशन में आए हुए थे। इसके बाद दोनों खाना खत्म करते हैं। फिर एम अपने रूम की तरफ जाती है और जेम्स बीच की तरफ जाता है और इसी बीच में जेम्स देखता है एक आदमी बहुत ही बुरी तरीके से कार चला रहा था। तभी जेम्स के पास एक लड़की आती है जिसका नाम होती है गैबी। गैबी कहती है आप जेम्स होना वही फेमस बुक राइटर। जेम्स कहता है हाँ लेकिन मेरी बुक तो अच्छी नहीं चली थी। गैबी कहती है लेकिन मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। जेम्स ये सब बातें सुन के बहुत ही खुश हो जाता है। इसके बाद गैबी अपने हस्बैंड अल्बन से मिलवाती है। ये तीनों बातें करते हैं। इसके बाद गैबी कहती है आप लोग रात में हमारे साथ डिनर में ज्वाइन करिए ना, हमें बहुत ही खुशी होगी। यहाँ जेम्स राजी हो जाता है। अब अगला सीन रात का होता है जहाँ ये चारों डिनर ले रहे थे और बातें कर रहे थे। यहाँ गैबी पूछती है बहुत दिन हो गए लेकिन आपकी कोई नई बुक नहीं आई। जेम्स बताता है मुझे अच्छी इंस्पिरेशन नहीं मिल रही थी इसी कारण से मैं यहाँ इंस्पिरेशन की तलाश में आया हूँ। अल्बन कहता है हमारे साथ रहिए इंस्पिरेशन मिल ही जाएगा। इसके बाद जेम्स ड्रिंक करके गैबी के साथ डांस करने लगता है। यहाँ उसे बहुत सारे अजीब से विजन आने लगते हैं। इसके बाद इनका प्लान होता है अगले दिन घूमने जाने का। यहाँ अगले दिन सभी अच्छे से रेडी होते हैं और फिर ये चारों लोग गाड़ी से घूमने निकलते हैं। ये लोग एक बीच के पास आते हैं और वहाँ पार्टी करने लगते हैं और यहाँ जेम्स और गैबी एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। इसके बाद जेम्स टॉयलेट करने जाता है तभी वहाँ उसके पीछे गैबी आ जाती है जो उसे बुरी तरीके से छू रही थी। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है रात हो गई थी और ये चारों कार से होटल के लिए निकल रहे थे। कार जेम्स ड्राइव कर रहा होता है वो बहुत ही नशे में था। तभी अचानक से कार की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है और यही जेम्स का ध्यान भटकता है और वो एक इंसान को ठोक देता है। उस इंसान की स्पॉट डेड हो जाती है। यहाँ जेम्स बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो पुलिस को फोन करने वाला था लेकिन गैबी कहती है तुम इस देश के पुलिस को नहीं जानते, ये बहुत स्ट्रिक्ट है, तुम बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाओगे, चलो होटल में चलो। अब ये चारों बहुत ही डरे हुए होटल में जाते हैं। फिर एम और जेम्स सो जाते हैं। सुबह उनके दरवाजे पे दस्तक होती है और पुलिस आती है जो जेम्स को पकड़ के थाने ले जाते हैं। यहाँ जेम्स से बात करने के लिए एक ऑफिसर आते हैं जिनका नाम ट्रैश होता है। ट्रैश बताते हैं कल रात तुमने एक इंसान को मार डाला है। जेम्स कहता है वो एक्सीडेंट था, गलती से हुआ। ट्रैश कहता है ठीक है लेकिन हमारे देश का कुछ नियम है, तुम्हें सजा तो भुगतनी पड़ेगी लेकिन तुम चाहो तो पैसे देके तुम्हारे डुप्लीकेट को सजा दिला सकते हो और तुम्हारे डुप्लीकेट को हत्या किया जाएगा और ये हत्या को करेगा तुमने जिसे कार से मारा है उसका बेटा। जेम्स कहता है मैं अपने डुप्लीकेट को सजा दिलवाना चाहता हूँ, खुद नहीं भुगतना चाहता। इसी कारण से उसे एक पेपर में साइन करवाया जाता है और उससे कुछ पैसे लिए जाते हैं। इसके बाद जेम्स को बिना कपड़ों के किया जाता है और उसे केमिकल से भरे हुए रूम में डाल दिया जाता है। वहाँ उसे बहुत सारे विजन आते हैं और वो गैबी के साथ था। अगले सीन में हमें जेम्स के डुप्लीकेट को दिखाया जाता है जो जिंदा था और उसे जिंदा देख जेम्स डर जाता है। इसके बाद जेम्स के डुप्लीकेट को एक जगह बांध दिया जाता है और जिस इंसान को जेम्स ने मार दिया था उसका बेटा आता है चाकू के साथ और वो उस चाकू से बड़ी ही बेरहमी से जेम्स के डुप्लीकेट को मार डालता है। ये देख के पहले जेम्स थोड़ा सा दुखी होता है, फिर उसे ये चीज बहुत ही मजेदार लगती है। इसके बाद ऑफिसर ट्रैश जेम्स को अपने डुप्लीकेट की अस्थियां देता है और वो उसे लिए होटल में आता है। अब यहाँ एम कहती है उन्हें यहाँ और एक पल नहीं रुकना। वो पैकिंग करने लगते हैं और वो निकलते इससे पहले ही जेम्स कहता है मुझे मेरा पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, तुम चली जाओ मैं जल्दी आ जाऊंगा। इस चीज से एम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर जेम्स उसे शांत करता है और उसे भेज देता है यहाँ से। अगले सीन में जेम्स अपने रूम की बुकिंग बढ़ा लेता है और वहाँ उसे गैबी भी नजर आती है। अब यहाँ गैबी उसे पास बुलाती है और दोनों बातें करने लगते हैं जहाँ गैबी बताती है मुझे इस कंट्री के नियमों के बारे में पता था, मुझे पता था यहाँ इंसानों को नहीं इंसानों के डुप्लीकेट को सजा मिलती है और हम लोगों का एक ग्रुप है, हम यहाँ वेकेशन मनाने यहाँ आते हैं और यहाँ हमारा ग्रुप क्राइम करता है, लोगों को मारते हैं, चोरी छिनताई सब करते हैं, इसमें हमें मजा आता है और मेरा तुम्हारे गरीब आना, तुम्हें ड्रिंक कराना, तुम्हारा एक्सीडेंट करवाना, ये सब हमने जानबूझ के किया ताकि तुम्हें
इंस्पिरेशन मिल सके। इसके बाद गैबी उसे अपने रूम में लाती है जहाँ अलबन था और उनके ग्रुप के मेंबर थे, और ये सभी यहाँ वेकेशन में क्राइम करने आए हुए थे। और यहाँ इस रूम में बैठे हुए लोग यहाँ बहुत सालों से आ रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। तो यहाँ ये लोग एक मंत्री को मारने का प्लान बना रहे थे। जेम्स पहले ये सब सुनकर डर रहा होता है, वो नहीं जाना चाहता था, लेकिन गैबी उसे इंस्पायर करती है, कहती है चलो मेरे साथ मजा आएगा। इसी कारण से वो राजी हो जाते हैं। फिर सभी अतरंगी और अजीब मास्क पहन लेते हैं और सभी लोग कार से उस नेता के घर की तरफ बढ़ रहे थे। यह जेम्स बहुत ही डरा हुआ था। अगले सीन में वो नेता के घर में आ जाते हैं, या वो लोग नेता पे हमला बोल देते हैं। नेता अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ मजे कर रहा था। यह सभी नेता पे गन तान देते हैं। यह गैबी जेम्स को देख समझ जाती है जेम्स ने कभी भी किसी को नहीं मारा, वो बहुत ही ऑनेस्ट इंसान है। इसी कारण से वो उसके पास आती है और नेता को मारने कहती है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी वहाँ अचानक से नेता का बॉडीगार्ड आ जाता है जो उन पे अंधाधुन गोली चला रहा था, और यहाँ बॉडीगार्ड के गोली से अलबन घायल हो जाता है। इसी कारण से गैबी बॉडीगार्ड के ऊपर बहुत सारा शूट करती है। इसके बाद सभी लोग होटल में आ जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था और वो लोग बहुत ही खुश थे। वो लोग बता रहे थे कल रात उन लोगों ने कितने मजे किए, कैसे लोगों को मारा। अब यहाँ ट्रैश आता है और बताता है आप लोग जानते हैं टूरिस्ट के लिए एक अलग नियम है, लेकिन आप लोगों ने हद पार कर दी है। तभी बहुत सारे ऑफिसर आ जाते हैं जो उन्हें पकड़ के खींचते हुए ले जाने लगते हैं। उन्हें एक जगह बांध दिया जाता है और एक एक कर सभी टूरिस्ट के गले काट के उन्हें मार डाला जाता है। दरअसल असल में इन लोगों को नहीं, इन लोगों के डुप्लीकेट्स को मारा गया था, और ये लोग ये देख के बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, इसे इंजॉय भी करते हैं। इसके बाद जेम्स को दिखाया जाता है जो किनारे पे बैठा हुआ था। उसके पास गैबी आती है, दोनों बातें करते हैं और फिर रूम में आते हैं। यहाँ गैबी के पास एक नशीली पौधे थी और वो इस पौधे से खुद तो नशा करती है और जेम्स को भी नशा करवाती है, और नशे के बाद दोनों के सिर चकराने लगते हैं और दोनों कुछ गलत काम कर बैठते हैं। अगले दिन से हमें दिखाया जाता है जेम्स का व्यवहार पूरी तरीके से बदल गया था, वो सबके साथ रूड बिहेव कर रहा था। सभी लोग प्लान बनाते हैं, ऑफिसर ट्रेस सबको सजा देते हैं, अब हम लोग मिलकर ऑफिसर ट्रेस को सजा देंगे। अब सभी लोग पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं जहाँ जेम्स बाहर गार्ड दे रहा था और सभी लोग अंदर थे। फिर सभी मिलके ऑफिसर ट्रेस को पकड़ के लाते हैं और फिर वो ट्रेस को गाड़ी में लिए वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है जेम्स बहुत ही ज्यादा नशा कर रहा था, उसे अब नशे की लत लग गई थी। अब यहाँ जेम्स नशा करके बहुत ही बदतमीजी करने लगता है, वो ट्रेस को मारने लगता है, गाली देने लगता है, उसके ऊपर शराब भी डालता है। जब उसकी हिंसा नहीं मिट रही थी तब वो उसके ऊपर टॉयलेट भी कर देता है। अब यहाँ सभी बहुत ही हंस रहे थे और सभी ऑफिसर ट्रेस के ऊपर टॉयलेट करने लगते हैं। फिर गैबी हंसते हुए ट्रैश का मुखौटा हटाती है। तभी जेम्स देखता है ये ऑफिसर ट्रैश नहीं है, ये जेम्स का क्लोन है। यहाँ सभी लोग जेम्स के ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से हंस रहे थे और जेम्स को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। वो समझ जाता है वो इन पागलों के बीच में फंस गया है। वो वहाँ से भागते हुए अपने रूम में आ जाता है और उसे बहुत ही घिन आ रही थी इन सब कर्मों से। लेकिन बाकी टूरिस्ट उसे नीचे बुला रहे थे, उसे माफी मांग रहे थे, लेकिन अब जेम्स को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। अब यहाँ दिखाया जाता है जेम्स ने पासपोर्ट को नहीं खोया था, उसने पासपोर्ट छुपाए रखा था। दरअसल वो एम से कुछ दिनों के लिए छुटकारा चाहता था। अब जेम्स पासपोर्ट को लेके एक बस से एयरपोर्ट के लिए निकलता है, लेकिन तभी वहाँ गैबी और उसके दोस्त आ जाते हैं जो जेम्स के ऊपर गन तान देते हैं और उसे बस से नीचे आने के लिए बोल रहे थे। अब यहाँ गैबी बस के सामने कार को रुकवा देती है और गन तान के कहती है सबको मार देगी अगर जेम्स बाहर ना आया तो। इसी कारण से डर के जेम्स बाहर आ जाता है। अब वो लोग जेम्स को वॉक करवा रहे थे और खुद गाड़ी से जा रहे थे। अब यहाँ गैबी जेम्स को अपमानित करने लगती है, वो कहती है तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, हम हर साल वैकेशन में यहाँ आते हैं और तुम जैसे बेवकूफ को पकड़ते हैं और उन्हें ऐसे बेवकूफ बनाते हैं और उनके साथ ये हसर करते हैं, और मैंने झूठ कहा था, मैंने तुम्हारी कोई नॉवेल वोवेल नहीं पढ़ी है। हरू बेकर राइटर। यह जेम्स को बहुत ही बुरा लग रहा था, उसे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो गैबी पे हमला कर देती है और गन लेने की कोशिश करता है, और बाकी लोग को आते देख जेम्स वहाँ से डर के भागने लगता है। यहाँ गैबी जेम्स के ऊपर नॉनस्टॉप गोली चलाती है और एक गोली जेम्स के पैर में लगता है, और वो एक खेत में आके वहाँ उसे दो लड़कियां नजर आती है और फिर वो बेहोश हो जाता है। अगले सीन में जब उसे होश आता है तो वो उस घर में था जिस आदमी को उसने एक्सीडेंट से मार डाला था, और वहाँ उस इंसान का बेटा आ जाता है जो जेम्स को गला दबा के मारने लगता है। और यहाँ जेम्स को विजन आता है और उसे ऐसा लग रहा था उस बच्चे ने जेम्स के सर के दो टुकड़े कर दिए हैं, लेकिन ये एक बुरा सपना था। जब उसकी नींद टूटती है तो वो देखता है वहाँ अलबन आ गया था जो उसे बाहर बुला रहा था। यहाँ गैबी जेम्स से माफी मांगती है और
उसे कुत्ता प्रेजेंट करती है और गैबी उसे ये भी कहती है वो जेम्स को अपने ग्रुप में ले लेगी। और जब वो कुत्ते को सामने लाते हैं तो हम देखते हैं वो कोई कुत्ता नहीं, जेम्स का क्लोन ही है। फिर जेम्स के क्लोन को नशा करवाया जाता है और जेम्स को कहा जाता है उस क्लोन को मार डालने के लिए, उसे चाकू भी दिया जाता है लेकिन जेम्स ऐसा नहीं करना चाहता था। तभी जेम्स का क्लोन बहुत ही नशे में जेम्स के ऊपर हमला कर देता है। इसी कारण से जेम्स उसे पहले बहुत ही ज्यादा गुस्सा मारता है और फिर उसे मार डालता है। अब यह जेम्स बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। इसी कारण से गैबी आती है और उसे संभालती है। गैबी उसे बच्चों की तरह मिल्क पिलाने लगती है और जेम्स भी बच्चों जैसा एक्टिंग कर रहा था। अब अगले सीन में सबका प्लान बन चुका था, सब अपने अपने घर लौट जाएंगे और अगले साल फिर वैकेशन मनाने यहाँ आएंगे और दहशत फैलाएंगे। अब यहाँ एयरपोर्ट से सभी अपने अपने घर चले जाते हैं लेकिन जेम्स कंफ्यूज था, वो नहीं जा पा रहा था। वो वही एयरपोर्ट पे बैठा रहता है क्योंकि जेम्स इस पूरे हादसे से बहुत ही सदमे में था। अगले सीन में हमें जेम्स को दिखाया जाता है जो एक रिसॉर्ट में था और बारिश में भीग रहा था। वो बहुत ही ज्यादा दुखी था और यही पे ये मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी हमें ये दर्शाना चाहती है अगर पैसे से खून जैसी जुर्म को माफ किया जा सकता है तो लोग किस हद तक नीचे आ सकते थे। लोग मर्डर को एक खेल जैसा आम चीज बना देते हैं।